जिला रामबन की तहसील पोगल परिस्तान के हेडक्वार्टर उखड़ाल पांचल कुंची में एक शख्स बेखौफ होकर बगैर लाइसेंस के अद्वियात की दुकान खोलने के बाद लाखों लोगों की जान खतरे में डालकर गुज़श्ता 3 सालों से रोजे रोशन धड़ल्ले से फर्जी दवाइयां बेच रहा था। ताजुब की बात तो ये है कि ये फर्जी दुकान जिसे आज़ाद अहमद मीर साकिन आलिनबास, जो कि अपने आप को एक खुद साख्ता प्रोफेशनल केमिस्ट बता रहा था, उसके पास लोगों को गुमराह करके उनकी जान खतरे में डालने के अलावा मौके पर कोई असली डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। मकामी रहायश पजीर व लैंडलॉर्ड मिस्टर रंगेल सिंह ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर दवाई बेचने वाला शख्स इससे कबल खचरू व मेहनत मजदूरी का काम करते थे। एक और मकामी बाशिंदा व आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर रौनक सिंह सुंबड़िया ने कहा कि इस मामले को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर इम्तियाज अली से उन्होंने बार बार इल्तिमास की कि वो मौके पर आकर इंस्पेक्शन करे। इसके एवज में ड्रग इंस्पेक्टर ने सिर्फ दुकान को बंद किया। आज 10 रोज के बाद भी दुकान बंद रहने के अलावा इंतजामिया कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। डीडी न्यूज ने जब ड्रग इंस्पेक्टर को फोन करके इस मामले पर बातचीत करनी चाही तो उन्होंने फोन काट कर बात करने से गुरेज किया। अब सवाल ये भी उठने जायज हैं कि गुज़श्ता 3 साल से ये इंस्पेक्टर कहाँ थे। लोगों की मुसलसल शिकायत के बावजूद उन्होंने इस मामले का इजाला क्यों नहीं किया। इस फर्जी मेडिकल शॉप से दवाइयां खरीद कर कितने लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए होंगे, कितने लोगों ने अनजाने में जान से हाथ धोया होगा और कितने लोग इन अद्वियात के इस्तेमाल से मुतासिर हो रहे हैं। फिलहाल हुकाम इस बारे में ड्रग इंस्पेक्टर पर क्या कार्रवाई करता है, सैकड़ों लोगों की निगाहें इस कार्रवाई पर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी न्यूज़।